अनु जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में हमने पहले पिंक बॉल वर्म की वजह से जो कॉटन क्रॉप थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते भी देखी है, और अब देख रहे हैं कि न्यू अराइवल्स भी हैं और बारिश भी शुरू हो गई है एक बार फिर से। ऐसे में कॉटन का आगे रुझान कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, गुजरात में हमने अनएक्सपेक्टेड बारिश देखी थी और तेलंगाना में भी हमने काफी अनएक्सपेक्टेड बारिश देखी है, उसकी वजह से कॉटन क्रॉप को नुकसान होता हुआ दिखा, जिसकी वजह से हमने कॉटन के अंदर अच्छी तेजी देखी है। हमें लगता है कि ये तेजी अभी और एक्सटेंड हो सकती है, ऊपर में 32,000 से लेकर 32,500 तक के लेवल कॉटन में देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी है, तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में कॉटन का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और 32,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि कॉटन में भी खरीदारी देखने को मिलती रहेगी और 32,500 तक के भी लेवल्स ऊपर में कॉटन की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं।